हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीताज किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो है एक पोटैटो वेजिटेबल पैटीज़। तो ये पोटैटो वेजिटेबल पैटीज़ बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए, चलिए पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो आलू लिए हैं, ये मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से मैश कर लिया, आप चाहे तो कद्दूकस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ बाउल गाजर ली हुई है, हाफ बाउल ही मैंने यहाँ शिमला मिर्ची ली हुई है, और एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया हुआ है। ये मैंने हरी मिर्ची यहाँ पे ज़्यादा काटी हुई है, इसको सिर्फ हम थोड़ा सा ही यूज़ करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लहसुन लिया हुआ है, ये यूज़ करेंगे। अदरक ली हुई है, ये भी यूज़ करेंगे। आप क्वांटिटी देख के ले सकते हैं, हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिए, हाफ हाफ टेबल स्पून। तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये एगलेस मेयोनीज है फ्रेंड्स, हम ये यूज़ करेंगे इसमें। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा ये पैटीज का। कॉर्नफ्लोर यूज़ करेंगे। यहाँ पे मसालों में मैंने लिया हुआ है नमक, लिया हुआ है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यूज़ करेंगे। ये काला नमक भी हमने लिया हुआ है। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून यहाँ पे धनिया पाउडर है, लाल मिर्ची है, आप चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और ये मैंने यहाँ पे जीरा, साबुत जीरा नहीं लिया है फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर लिया है। तो आप चाहें जीरा भी, साबुत जीरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने हाफ टेबल स्पून लिया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अजीनोमोटो लिया है, आप चाहें तो स्किप कर दीजिए, आप चाहे यूज़ कर लीजिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा पैटीज में। और ये मैंने यहाँ पे ये ब्रेड क्रम्स लिया है फ्रेंड्स, ये हम यूज़ करेंगे। कॉर्नफ्लोर भी यूज़ करेंगे, और ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। आप चाहे तो डीप फ्राई कर सकते हैं, आप चाहे तो सेलो फ्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एक डो बना के तैयार करेंगे, आलू और ये कॉर्नफ्लोर से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें आलू डालेंगे। आलू आप चाहे कद्दूकस कर लीजिए, आप चाहे मैश कर, इसको ऐसे ही मैश कर लीजिए। और अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये थोड़ा सा नमक यूज़ कर रही हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक करिएगा यूज़, क्योंकि हमने ये स्टफिंग जो हम बनाएंगे उसमें भी हमने यूज़ करना है। तो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देख के यूज़ करिएगा। थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा अजीनोमोटो, बाकी हम स्टफिंग में यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे ये मैं 2 टेबल स्पून यहाँ पे अभी डाल रही हूँ ब्रेड क्रम्स। और अगर हमें ज़्यादा थोड़ा गीला लगेगा तो हम और यूज़ करेंगे। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो मैं ये अंदाजे से डाल रही हूँ, आप अपने स्पून से नाप के डालिएगा। चार, ये 4 टेबल स्पून यहाँ पे हो गया। अब हम इसको बाइंड करेंगे, हमें इसमें पानी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, हम इसी तरीके से बाइंड करेंगे। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें ये ब्रेड क्रम्स और यूज़ करेंगे। ये हम हाथ से ही बाइंड कर लेंगे इसको अच्छे से, एक आटे की तरह गूंद लेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, ये मैंने डो अच्छे से गूंद लिया है, इसमें पानी वगैरह का यूज़ नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई फॉर्म में आपका रहता है, वैसे तो आलू में इतना मॉइस्चर होता है, तो ये इतना अच्छा डो बन जाएगा। अब देखिए, ये मैंने डो बनाया, ये हमें थोड़ा सा गीला लग रहा है, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून यहाँ पे ब्रेड क्रम्स और यूज़ करेंगे। आप चाहे तो चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से बाइंड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चावल का आटा भी आपको यूज़ करके दिखा रही हूँ, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा इसका, और बहुत अच्छी क्रिस्पी बन के तैयार होगी। तो ये हम चावल का आटा डालेंगे। और ये चावल का आटा कैसे बनाना है, ये वीडियो मैंने डाला हुआ है। ब्रेड क्रम्स भी कैसे बनाना है, वो मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, आप चाहे उसे चेकआउट कर सकते हैं और देख के ब्रेड क्रम्स तैयार कर लेते हैं। अब हम इसका अच्छे से एक डो बना के तैयार करेंगे, आटे की तरह गूंथ लेंगे इसको। और फ्रेंड्स, पानी नहीं यूज़ करना है, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई फॉर्म में लगे तो आप हल्का सा पानी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए डो हमारा ऐसा सॉफ्ट बन के तैयार हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ना 1 टेबल स्पून के करीब थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, इससे क्या होगा ना, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और डो भी हमारा बहुत अच्छा चिकना बन के तैयार होगा। ये भी हम मैश कर लेंगे इसको अच्छे से। तो फ्रेंड्स, देखिए इतना सॉफ्ट डो बन के तैयार हुआ, इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। और तब तक हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं, जो हमें फिलिंग भरनी है इसकी, तो ये बना लेंगे। सबसे पहले हम शिमला मिर्ची डालेंगे इसमें, आप चाहे तो पत्ता गोभी भी डाल सकते हैं, कैबेज, गाजर, और ये हरी मिर्च। हरी मिर्च कितनी आपने खानी है फ्रेंड्स, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये अदरक, प्याज,
तो फ्रेंड्स ये सारे मसाले हम ये इसमें हमने ये बेस डाल दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम ये सारे मसाले ऐड कर देंगे इसमें। नमक मिर्च फ्रेंड्स टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करिएगा, अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए, बच्चों के लिए बना रहे हैं बच्चों को खाने हैं तो आप थोड़ा सा मिर्ची की क्वांटिटी कम रखिएगा। और अब हम इसमें ये 2 टेबल स्पून यहाँ पे एग्लेसिया मेयोनीज यूज करेंगे, आप व्हाइट वाली भी ले सकते हैं, मैं ये मसाले वाली ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स ये 2 टेबल स्पून मैंने ये हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें यहाँ पे तो चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको चीज़ डालनी है तो चीज़ वाला भी किसी दिन पैटीज में आपको किसी दूसरे वीडियो में दिखाऊंगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपके पास मियोनीज नहीं है और आप बनाना चाहते तो आप यहाँ पे हंकर्ड यूज़ कर सकते हैं इस स्टेज पे। तो फ्रेंड्स ये हमारी स्टफिंग बन के तैयार हो गई है, अब हम इसका डो देख लेते हैं एक बारी। डो भी देखिए रेस्ट रखा था, ये ठीक हो गया। अब हम इसकी पैटीज बनाना शुरू करते हैं, और सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। और आपको कितनी बड़ी पैटीज बनानी, छोटी बनानी, बड़ी बनानी, वो अपने हिसाब से देख लीजिए। तो मैं इस साइज की बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपको ज़्यादा बनानी बड़ी, छोटी बनानी, बड़ी बनानी, उस हिसाब से। और ये अब हम इसके अंदर फिलिंग भरेंगे, आप अच्छे से इसको चिकना कर लीजिए ताकि जो फिलिंग हम भरे हैं ये निकले नहीं। और एक जैसे कचौड़ी की तरह आप इसको कचौड़ी भर के जैसे बनाते हैं उसको बंद करते हैं, इसी तरीके से इसको बंद कर देंगे। फिलिंग थोड़ी थोड़ी भरिएगा, ज़्यादा नहीं भरनी है। अब हम इसको इस तरीके से बंद कर लेंगे, इस तरीके से। बंद कर देते हैं अच्छे से, इसको अच्छे से बंद कर देना है। ये खुला नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर इसकी फिलिंग खुली रह गई कहीं पे तो ये ऑयल में बिखर जाएगा। तो इसको हम ऑयल की सहायता से या पानी की सहायता अच्छे से इसका बॉल एक बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इस तरीके से बना लिया, और ये कहीं खुला भी नहीं है इस तरीके से। मान लीजिए अगर जैसे ये थोड़ा सा खुला है तो यहाँ पे आप थोड़ी सी स्टफिंग को उठा के इस तरीके से लगा दीजिए, और जो ये डो लगा दीजिए। और जो आपके ये डो है ना, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मीन्स कि बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, बनना चाहिए, तभी ये फिलिंग आपकी अच्छे से भरेगी। तो आप चाहें तो इस तरीके से टिक्की की शेप दे सकते हैं, और आप चाहें तो इसको अपनी मन पसंद, आपको जैसी शेप देना पसंद हो आप उस तरह से शेप दे दीजिए। तो मैंने इसको इस तरीके की शेप दी है। अब हम इसी तरीके से सारी बना के रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरीके के पैटीज बना के रख ली हैं, अब हम इनको एक एक करके फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स आप तो चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं, आप चाहे सेलो फ्राई कर सकते हैं, आपको जैसे पसंद आए आप वैसे फ्राई करिए इनको। एंड आप चाहें तो तवे पे भी सेक के खा सकते हैं इनको। तो आप एक बार में जितनी आ जाए पैटीज उतने ही आप डालिएगा। तो मैंने ये बड़े साइज की बनाई हुई हैं, और जैसे ही एक तरफ से क्रिस्पी हो जाए तभी पलटिएगा, और उससे पहले मत पलटिएगा। और आप इसका डो बनाते समय फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका डो ना ज़्यादा जो आलू और ये ब्रेड क्रम्स वगैरह डाल के जो हमने बनाया है इसका डो, वो थोड़ा सा ढीला ही रहे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा एकदम ढीला होना चाहिए, ठीक से बनना चाहिए ताकि जो आप स्टफिंग भरें वो अच्छे से फोल्ड हो जाए। अपनी मनपसंद के आप इस तरीके से आकार दे सकते हैं, आपको टिक्की की शेप में बनाना है इस तरीके से बनाना है तो आप इस तरीके से बनाइए। एंड अब हम इसको पलट देंगे, तो हम इसको पलट देते हैं एक एक करके। देखिए एक तरफ हमारी अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए फ्रेंड्स तभी ये पैटीज पलटेगा, क्योंकि अगर आप डाली और एकदम से पलट दी तो ये टूट जाएगी, बहुत सॉफ्ट होती है एंड जब बनके तैयार हो जाती है तो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। और ये मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी, ये देखिए, और चम्मच से ही आप फ्रेंड्स इसको करिएगा। गैस का फ्लेम मीडियम रखिएगा क्योंकि इसमें बैच भी पड़ी है, वो भी थोड़ी सी कुक करनी है। ये हम इसको भी दोनों साइड से ये पलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने सेक लेंगे, उसके बाद हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी पैटी रेडी हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं।
ये देखिए कितनी क्रिस्पी और कितनी